हेलो एवरीवन, पार्ट 14 की शुरुआत में हम देखते हैं कि दामरंग एंड सहवा की मौत हो चुकी होती है एंड ये सब चुनजी अपने विजन में देख लेता है। फिर वो उठ जाता है, फिर वो ये सारी बातें साइक्रेटिस्ट को बताता है एंड वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है उसके ऐसे अपने अंत को देखकर। एंड हमें यह दिखाया जाता है कि उस हॉस्पिटल में तो मादेयंग भी होता है। एंड उसके बाद चुनजी सीधा चोंग के पास जाता है जहाँ पर वो वही पिंक ऑक्टोपस को लेने की कोशिश कर रही होती है। तो चुनजी उसके पास जाकर कहता है कि क्या तुम्हें कोई स्पेशल सी चीज़ करनी है। तो चोंग फिर बताती है जो कि उस भिखारन ने उसे बताया था, वो सारी बातें बताती है एंड कहती है कि इसे रोमांटिक लव कहते हैं, तो हमें इसी से ही स्टार्ट करना होगा। तो चुनजी कहता है कि हाँ चलो फिर ठीक है। फिर ये दोनों मिलकर अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। फिर यहाँ पर ये दोनों बैठे होते हैं एंड चुनजी चोंग से कहता है कि अगर मैं किसी वजह से मर गया तो तुम क्या करोगी। तो चोंग झट से आंसर दे देती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। तो चुनजी उसे कहता है कि अरे तुम्हें ऐसा नहीं करना है। तो चोंग उसे कहती है कि अगर तुम जिंदा हो तो मैं भी हूँ और अगर तुम मर गए तो मैं भी तुम्हारे साथ मरूँगी। तो चुनजी उसे कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता ना तो मैं किसी लड़की से शादी कर लेता, तो तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। तो चोंग मना करती है। तो फिर चुनजी उसे कहता है कि अगर मैं किसी वजह से मर गया तो तुम मेरे बाद खुश रहोगी, ये वादा करो। पर चोंग तो वादा करती ही नहीं। एंड यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि मादेयंग भी उसी साइक्रेटिस्ट के पास जाता है एंड उसे डराने लगता है। फिर वो साइक्रेटिस्ट उसको हिप्नोटाइज कर देता है। फिर मादेयंग वही विजन देखता है जो कि अभी अभी चुनजी देख के गया था। मेरा मतलब है कि अभी अभी जो चुनजी ने विजन देखा था सहवा एंड दामरंग की मौत का, वही विजन मादेयंग भी देखता है। एंड मादेयंग फिर एकदम से उठकर कहता है कि पर वो मैं नहीं था, यानी कि वो ऐसा कहना चाहता था कि वो भाला मैंने नहीं फेंका था, तो फिर किसने फेंका होगा। मतलब कि इस कहानी में अब सीक्रेट विलन की एंट्री हो चुकी है, पर वो कौन है, वो हमारे आसपास ही है पर हमें पता नहीं है। तो आगे देखना, ये बात आपको आगे के एपिसोड में पता चल जाएगी। फिर यहाँ पर हम जीहोन को देखते हैं जो कि एकदम नया अवतार में होता है। फिर वो चेयरमैन की कुर्सी पर बैठ जाता है। जब कोई उससे पूछता है कि मिस्टर हो कहाँ पर है, तो जीहोन कहता है कि मेरे पापा अभी छुट्टियों पर गए हैं। एंड हमें यहाँ पर जीहोन का एक नेगेटिव कैरेक्टर दिखाया जाता है। फिर जीहोन अपने डैड से मिलने जाता है जहाँ पर उसके डैड चुनजी के बारे में पूछते हैं। तो जीहोन उसे कहता है कि मैंने चुनजी को कॉल लगाई थी पर वो बिजी था इसलिए उसने पिक नहीं की, पर आप चिंता मत करिए क्योंकि मैं उसे दोबारा कॉल लगा दूंगा। फिर घर पर सीन आता है जहाँ पर चोंग ड्रामा देख रही होती है एंड तभी चुनजी वहाँ पर आ जाता है। तो चोंग अपने मन में बोलती है कि देखो तो कितना आकड़ू है, मुझसे बात भी नहीं कर रहा। फिर वो अपने मन में बोलती है कि मैं भी कितनी भोली भाली थी, मैं तो धरती पर पहली बार आई थी, मुझे क्या खाक पता था, और चुनजी ही मुझे पहला आदमी मिला तो मुझे ऐसा लगा कि वही सबसे अच्छा है। अगर सियोल इतना दूर था तो उसको मुझे पहले बता देना चाहिए था ना। मैं 3 महीना 10 दिन तक तैर कर आई और खुद तो एक दिन प्लेन में बैठ कर आ गया। उसके मन की बातें सुनकर चुनजी गुस्सा होकर कहता है कि तुम मुझे अंदर ही अंदर गालियाँ देना बंद करो। तो चोंग अपने मन में बोलती है कि ये क्या, चुनजी को कैसे पता चल गया कि मैं उसे गालियाँ दे रही हूँ। एंड फिर वो अपने मन में बोलती है कि चुनजी को क्या लगता है कि वही सबसे अच्छा दिखता है, दुनिया में बहुत सारे लड़कों का ढेर है, अपने आप को तो बड़ा राजकुमार समझता है एंड उसे क्या लगता है कि सब तो उसकी ही तरफ देखते हैं। फिर चुनजी वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है एंड सीधा मिस्टर नाम से मिलने जाता है। एंड तभी जीहोन भी वहाँ पर आ जाता है। तो चुनजी उससे डैड के बारे में पूछता है तो जीहोन कहता है कि वो तो छुट्टी पर गए हैं। चुनजी तुम्हें क्या पता है कि डैड ने सारी वसीयत मेरे नाम कर दी है। तो चुनजी कहता है कि वैसे मुझे चाहिए भी नहीं थी। फिर हमें यहाँ दिखाया जाता है कि चासिहा का तो बिहेवियर पूरी तरह से चुनजी की माँ के लिए बिल्कुल बदल जाता है एंड चुनजी की माँ तो उसकी ऐसी हरकतों को देखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। यहाँ पर चुनजी की असली माँ भाभी जी से पूछती है कि मिस्टर हो के असली बेटे का क्या हुआ। तो भाभी जी कहती है कि मैंने सुना है कि वो बचपन में ही घर छोड़कर भाग गया था। एंड गाइस, यहाँ पर चुनजी की माँ को तो बड़ा ही झटका लगता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि चुनजी अभी फॉरेन में पढ़ाई कर रहा है एंड अपनी अच्छी ज़िंदगी जी रहा है। फिर एकदम गुस्से में चुनजी की माँ कांगजियोन के घर आती है एंड उसे पूछती है कि मेरा चुनजी कहाँ है। तो कांगजियोन कहती है कि
तुम्हारे बेटे ने तो घर पहले ही छोड़ दिया। तो झुंझी की माँ उस पर भड़क जाती है एंड कांग जियोन को ओपन चैलेंज करके चली जाती है। यहाँ पर झुंझी की माँ का गुस्सा तो सातवें आसमान पर था। एंड रास्ते पर चलते चलते झुंझे की माँ गाड़ी से टकराने ही वाली होती है कि तभी चोंग उसे आकर बचा लेती है। एंड तेओ चुपके से उसकी एक फ़ोटो ले लेता है एंड वो झुंझे को सेंड कर देता है क्योंकि झुंझे ने उसे चोंग का पीछा करने को कहा है क्योंकि माँ देंग उसके पीछे है। तो झुंझे को थोड़ी चोंग की फिक्र हो रही थी इसलिए उसने तेओ को उसके पीछे लगा दिया। एंड फिर वो दोनों मिलकर सब्जी खरीदने जाते हैं मार्केट में एंड तेओ भी उसके पीछे ही होता है। एंड डिटेक्टिव होंग दोंग प्योंग को पता चल गया होता है कि मा देंग उस सेक्रेटिस के पास गया था। तो चुंजे एंड वो दो पुलिस वाले वहां पर आते हैं उस सेक्रेटिस को पूछने के लिए कि मा देंग यहां पर आया था, पर वो तो कुछ बताता नहीं। एंड यहां पर दिखाया जाता है कि तेओ उसका पीछा करते करते चासिया के घर पर पहुंच गया होता है क्योंकि झुंझे की माँ तो चासिया की मेड थी इसीलिए। एंड तभी चासिया पीछे से तेओ को देख लेती है तो तेओ चोंग का पीछा करने एकदम से भागता है पर चासिया तो उसे छाने ही नहीं दे रही होती। एंड चासिया तेओ से कहती है कि तुम्हें मेरी क्या इतनी याद आ गई कि तुम मेरा पीछा करते करते घर तक आ गए। एंड यहाँ पर गाइस बेचारा तेओ तो बुरा फंस जाता है एंड चोंग तो आगे निकल जाती है। एंड घर जाते टाइम चोंग जिहियोन से मिलती है। फिर ये दोनों खाना खाने के लिए साथ में बैठे होते हैं। फिर वो दोनों थोड़ी बातें करते हैं एंड जिहियोन चोंग को घर छोड़ने के लिए आता है कि तभी झुंझे वहाँ पर आ जाता है एंड चोंग का हाथ पकड़ कर उसे घर में लेकर आता है। एंड हमें यहाँ जिहियोन को देख कर ऐसा लगता है कि उसके मन में ज़रूर कुछ खिचड़ी पक रही है। फिर चोंग के दिल में दर्द हो रहा होता है तो उसकी मन की बातें झुंझे सुन लेता है। एंड फिर झुंझे सबको घर के बाहर जाने को कहता है एंड शाम तक वापस आने को ना कहता है। तो वो लोग चले जाते हैं एंड चोंग पानी में तैरने लगती है फिर। एंड तभी नामदू घर पर वापस आ जाता है एंड चोंग के झलपरी वाले रूप को देख लेता है एंड चोंग के ही सामने बहुत लालच भरी बातें करने लगता है। तो चोंग उसकी सारी याददाश्त मिटा देती है। फिर नामदू को तो कुछ भी याद नहीं होता। फिर ये लोग डिनर कर रहे होते हैं एंड नामदू की बातें सुनकर चोंग अपने मन में बोलती है कि मैंने इसकी मेमोरीज ठीक से तो इरेज की थी ना। एंड झुंझे उसकी मन की बातें सुन लेता है। फिर वो चोंग को साइड में लेकर उससे पूछता है कि तुम मुझसे वादा करो कि मेरे मरने के बाद तुम अच्छे से रहोगी। तो चोंग कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो झुंझे पूछता है कि क्यों नहीं कर सकती। तो चोंग अपने मन में बोलती है कि क्योंकि मेरा दिल सिर्फ तभी धड़केगा जब तुम मुझसे प्यार करोगे। तो झुंझे कहता है कि चोंग तुम क्या मरने वाली हो। तो चोंग समझ जाती है कि झुंझे को उसकी मन की बातें सुनाई दे रही है एंड यहीं पर ही ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर गाइस आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।